सिक्स टॉपिक है कैलकुलेटिंग द बैक कॉस्टिंग। दोस्तों ये टॉपिक जरा ध्यान से देखेगा क्योंकि इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि बैक का कॉस्ट कैलकुलेट करने का गणित क्या है। ज्यादातर लोग ये यूनिट शुरू करके इसी बात में मार खा जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि एक बैग बनाने में उनको कितना खर्चा होता है या फिर कोई गलत आंकड़ा उनके पास रहता है। तो बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि एक बैग बनाने में कितना खर्चा होगा या फिर एक केजी रॉ मटेरियल में कितने बैग बनते हैं। तो इसका जवाब मैं दे दूं, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। ये पूरा डिपेंड करता है आपके बैग की साइज, मतलब उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई, फैब्रिक के ग्रामेज और आपको रॉ मटेरियल कितने रुपए में आपके सप्लायर से मिला, उसका रेट क्या है। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके किसी कस्टमर ने 4 ग्रामेज फैब्रिक से बना 24 इंच चौड़ाई और 36 इंच लंबाई की बैग की डिमांड रखी है और ये मान लेते हैं कि ये 4 ग्रामेज की 24 इंच चौड़ाई का रॉ मटेरियल ट्यूबिंग के फॉर्म में आपको 100 रुपया पर केजी के रेट पे मिला। तो कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आपके बैग का वजन पता होना चाहिए। अगर आपके बैग के बॉटम में सिंगल फोल्ड है तो उसका वजन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ यू है, जिसमें जी मतलब आपके फैब्रिक का ग्रामेज, डब्ल्यू मतलब बैग की विड्थ और एल मतलब बैग की लंबाई। और अगर आपके बैग के बॉटम में डबल फोल्ड है तो उसका वजन का फॉर्मूला कुछ यू होगा। बैग के बॉटम में सिंगल फोल्ड रखना या डबल फोल्ड रखना यह आपके कस्टमर की डिमांड से आप जान सकते हैं, वो भी पूरा डिपेंडेंट रहता है आपके कस्टमर की बैग की एप्लीकेशन एग्जैक्ट क्या है। तो मान लेते हैं इस एग्जांपल में कस्टमर ने आपसे सिंगल फोल्ड की डिमांड रखी है, तो बताए गए फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए आपके बैग का वजन हो जाएगा तकरीबन 90 ग्राम, मतलब कि 1 केजी रॉ मटेरियल से आप 90 ग्राम की टोटल 11 बैग बना सकते हैं। मतलब 100 रुपया पर केजी के रेट से गिने तो आपके एक बैग में 9 रुपया और 9 पैसे का रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। तो ये रॉ मटेरियल के ऊपर हम ऐड करेंगे कटिंग चार्ज, स्टिचिंग चार्ज और प्रिंटिंग चार्ज। मैनुअल कटिंग मशीन को ध्यान में रखते हुए अगर आप गिने तो आप कटिंग चार्ज 10 पैसा गिन सकते हैं, जिसमें ऑपरेटर का खर्चा और मशीन चलाने की इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा आ गया। स्टिचिंग चार्ज गिने तो वो भी आप मैक्सिमम 10 पैसा गिन सकते हैं, जिसमें स्टिचिंग के लिए इस्तेमाल हुए धागे, मशीन चलाने की इलेक्ट्रिसिटी और उसके ऑपरेटर का खर्चा भी गिना गया है। प्रिंटिंग में गिना है तो इस एग्जांपल में हम गिन लेते हैं कि आपको मैक्सिमम 4 कलर का प्रिंटिंग करना है और वो भी फुल जॉब प्रिंट करना है, बड़ा से बड़ा प्रिंट करना है। तो उस केस में आपका मैक्सिमम प्रिंटिंग का खर्चा हो जाएगा 35 पैसा। यह 35 पैसा में प्रिंटिंग में इस्तेमाल हुए इंक, प्रिंटिंग मशीन को चलाने की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा और आदमी का भी खर्चा इंक्लूड हो गया। अगर आपका प्रिंटिंग का जॉब 4 कलर से कम है या फिर फुल जॉब नहीं है, छोटा मोटा प्रिंटिंग करना है, तो आपका प्रिंटिंग का खर्चा 35 पैसा से भी कम होगा। पर इस एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपका खर्चा मैक्सिमम 35 पैसा है 4 कलर का फुल जॉब प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो आपके बैग बनाने का टोटल खर्चा हुआ 9 रुपया 9 पैसे का मटेरियल चार्ज, 10 पैसे का कटिंग चार्ज, 10 पैसे का स्टिचिंग चार्ज और 35 पैसे का प्रिंटिंग चार्ज। मतलब इन टोटल आपका बैग आपको बनाने में खर्चा होता है 9 रुपया 64 पैसा। इस गिनती से आपको पता चल गया कि आपको ये बैग 9 रुपया 64 पैसा में पड़ता है, तो मार्केट में जब आप सेल करते हैं, आपके कस्टमर के साथ नेगोशिएशन करते हैं, तो आपको बखूबी पता होता है कि आपको किस रेंज से नीचे नहीं जाना है ताकि आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट का प्रॉफिट मिले। आप इसी कैलकुलेशन को फॉलो करके किसी और भी डिमांड, कोई और ग्रामेज की डिमांड या फिर कोई और साइज की बैग, डबल फोल्ड की बैग की कॉस्टिंग भी निकाल सकते हैं। इस कैलकुलेशन में बताए गए कटिंग चार्ज, प्रिंटिंग चार्ज और स्टिचिंग चार्ज मैनुअल मशीन को ही ध्यान में रखते हुए बताए गए हैं। ऑटोमेटिक मशीन में यह सारा कैलकुलेशन पूरा चेंज हो जाएगा।